बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, हम लोग बहुत मस्ती किए। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम आपको? हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, फिर से वही प्यार मिला, फिर से वही मेमोरीज रिक्रिएट हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है। कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लगा आज, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का प्रोग्राम होगा। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई एम फीलिंग। बेगूसराय में यह पहला महाविद्यालय है जिसने एलुमिनाई मीट का आयोजन किया। बीएड कॉलेज है, यहाँ डीएलएड की पढ़ाई और बीएड की पढ़ाई होती है। मैदान तो सब खोलता है, शहर में सब खोलता है, दूर में खोलोगे तो सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी माँ की ऐसी सोच रहती थी। मुझे अपनी माँ की प्रेरणा से हमें यहाँ कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केविशुड विहार में, और मैं हूँ आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिक्रमपुर बेगूसराय आया हूँ। बता दूँ आपको, 2017 में इस महाविद्यालय की शुरुआत हुई, और 17 से 19 जो पहला सत्र रहा उस सत्र का मैं यहाँ पर प्रशिक्षु रहा। और बता दें, आज हमें यहाँ सम्मानित किया गया है महाविद्यालय के टॉपर होने के नाते, और साथ ही साथ 2017 से लेकर के अब तक के जो प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिकाएँ रही हैं उनका आज यहाँ पर एक समागम था, पूर्ववर्ती छात्रों का समागम, जहाँ पर इस महाविद्यालय में आकर के। चूँकि इस महाविद्यालय के प्रबंधक, जिनका आप जानते होंगे, शिक्षाविद के रूप में उनकी पहचान रही है, राजकिशोर सिंह। बता दें, विकास विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान दे करके जिला में उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया शिक्षा के क्षेत्र में, और सुदूर देहात क्षेत्र बिक्रमपुर जैसे जगह पे आकर के उन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण महाविद्यालय की शुरुआत करके इस समाज को एक नज़ीर पेश किया है। तो हम साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे संपूर्ण जिलेवासी की ओर से। और सबसे बड़ी बात कि उनकी माँ का सपना था कि आप उन घर में दिया जलाएं जहाँ सदियों से अंधेरा है, अर्थात जो सुदूर देहात क्षेत्र है वहाँ आप ज्ञान का संचार करें, और इसीलिए माँ के आदेश को सिर आंखों पर रखकर उन्होंने इस तरह की शुरुआत की। और अब 100% रिजल्ट के साथ यह महाविद्यालय आगे बढ़ता जा रहा है, और जल्द ही तारा कॉलेज ऑफ सीनियर एजुकेशन को भी आप देख पाएंगे, यानी यहाँ पर हर तरह के जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसकी शिक्षा दी जाती है, डीएलएड बीएड या अन्य तरह की अगर हम बात करें तो। पूरा एक बार यहाँ के प्रिंसिपल सर को, यहाँ की पूरी टीम को, शिक्षक शिक्षकेत्तर और गैर शिक्षकेत्तर कर्मचारी को धन्यवाद। और हम चलेंगे पूरे कार्यक्रम में देखेंगे, चूँकि पूर्ववर्ती छात्रों का आज समागम है यहाँ पर, जिन्होंने पास आउट हो गए हैं उनका मिलन होगा, यादें साझा होगी, तो उनके यादों को हम आप तक पहुँचाएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ, जो हमारा पेज है स्टार्स ऑफ बिहार उसको सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार से लाइक करेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी। पुनः एक बार शानदार यादगार, और मैं भी इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ तो आपके बीच पुनः आज एंकर के रूप में हूँ, लेकिन आज यहाँ आकर मुझे भी गर्व और फख्र हो रहा है। तो देख सकते हैं प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिकाओं का समागम रहा। हमारे साथ ज्योति झा जो यहाँ की टॉपर रही है हमारे बैच की, और हमें भी फख्र है, गर्व है कि मैं भी इस महाविद्यालय का छात्र रहा। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम आपको? हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ आके इतना मतलब ऑनर्ड फील हुआ, मैं बता नहीं सकती। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के सारे टीचर स्टाफ, फिर से वही प्यार मिला, फिर से वही मेमोरीज रिक्रिएट हुआ, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। अंशु, अंशु जिस दिन से ये महाविद्यालय की शुरुआत हुई तब से इस महाविद्यालय की छात्रा रही। बहुत अच्छा लग रहा है आज सर, जो हम लोगों के सम्मान में ये प्रोग्राम रखे उनके लिए हम पूरे कॉलेज का धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सारे टीचर्स का प्यार मान सम्मान सारा मिलता रहा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। और हम अपने जूनियर्स को भी कहेंगे, यदि आप लोगों को कोई किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है। रानी मैडम काफ़ी खुश नजर आ रही है, और रानी मैडम तो हमारी मामी है और अंशु की माँ बन गई है। मैम कैसा रहा ये कार्यक्रम? काफ़ी शानदार लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि उनको पूर्ववर्ती छात्रों से
पूरा मुलाकात, उनकी उनकी भावना सब महसूस हो रही है कि क्या विद्यार्थी मेरे द्वारा कोई भी कार्य को याद रख रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत सा आनंद सर, काफ़ी आनंद आ रहा है। कुछ और छात्र, प्रशिक्षु छात्र, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लगा आज, और फिर से मुझे इस कॉलेज में आने का मौका मिला मिलन समारोह के तरफ से, और हम सभी स्टूडेंट को फिर से यही कहना चाहते हैं कि वो फिर अगले, जिसे सर बोल रहे थे अगले विगत साल फिर ये मिलन समारोह रखा जाएगा, और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट, पिछले स्टूडेंट से मैं यही आग्रह करूँगा कि वे फिर से आवे और एक बार फिर ये कॉलेज का यादगार फिर से ताज़ा हो गया, एंजॉय करते रहे, जिन्होंने मन संचालन किया। और काफ़ी इस की अभी इन्हीं का सत्र चल रहा है, हमारे जूनियर हैं, शुभकामनाएं रहेगी, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और पूरे कॉलेज को लेकर कैसा रहा कार्यक्रम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, और आज का जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल अमेजिंग था, अनबिलीवेबल था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का प्रोग्राम होगा, और ख़ास करके हमें जो आज का जो अनुभव है, हमने जो प्राप्त किया, हमारे जितने भी सीनियर्स लोग थे वो लोग वाकई उन लोगों के अंदर जो टैलेंट था उनको उसको देख के, चूँकि जब इस तरह का कभी प्रोग्राम होता है और जब लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं तो हमें अपने ऊपर थोड़ा ईगो हो जाता है, लेकिन हमारे सीनियर सब इतने अच्छे थे, इतने बेहतरीन सीनियर थे, और उन्होंने जो अपना परफॉर्म किया, मेरा ईगो जीरो का जीरो रह गया, और हमें लगा कि अब हमें अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो भी छात्र हैं वो सब एकदम क्वालिटी पर्सन हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम लोग उनका अनुसरण करेंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत इंजॉय किए, अच्छा रहा पार्टी, बहुत इंजॉय किए, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपका लगा। इंग्लिश के शिक्षक हैं और आज इन्हें भी सम्मानित हुआ है, हमारे साथ लाल बाबू सर हैं, सर कैसा लगा ये कार्यक्रम? आई एम फीलिंग प्राउड टू कम इन दिस एलुमनी मीटिंग सेरेमनी एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई एम फीलिंग, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं अभी रेगुलर स्टूडेंट हूँ 23-25 सेशन का, और ये कार्यक्रम आज मुझे भी ये मन में ये विश्वास आया आप लोगों को देखकर, आपको सम्मानित किया गया, मेरे भी मन में लगता है कि मैं भी आप ही लोगों की तरह तैयारी करूं और मुझे भी एक दिन कॉलेज इस तरह सम्मानित करे। कार्यक्रम को देखकर कैसा कुछ कहना चाहेंगी? आज का परफॉर्मेंस हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, अच्छा बहुत रहा, सब चीज़ों में बहुत अच्छा रहा, महाविद्यालय बहुत अच्छा है। हमारे साथी अभिषेक हैं, अभी शिक्षक हैं लेकिन कभी हमारे साथ हमारे क्लास में थे, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? आज पूर्ववर्ती छात्रों का समागम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया गौरव पाठक जी, यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और हम लोग एलुमनाई मीट में आए हैं यहाँ, कुल मिला के कहें तो नए दीवानों को देखें तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीरानों में, ये कहावत इस पे सूट करती है अच्छे से। था इस चमन में अपना भी आसियाना, याद आता है कभी गुजरा जमाना। हमारे साथ गोपाल सर हैं, सर कैसा लगा ये कार्यक्रम, इस तरह की नई सोच, और पहला कोई इस तरह का महाविद्यालय है जो इस तरह के नई सोच के साथ आया है? देखिए, यह तो बेगूसराय ज़िले के लिए गौरव की बात है, और बेगूसराय में यह पहला महाविद्यालय है जिसने एलुमनाई मीट का आयोजन किया, और इसमें जो पूर्ववर्ती छात्र थे वो आए और आके उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, गेट टुगेदर हुआ उन लोगों का, कुछ उन लोगों ने सीखा, कुछ अपनी यादों को यहाँ लोगों के सामने साझा किया, और ये काफ़ी अच्छा रहा काफ़ी। इस महाविद्यालय के प्रबंधक, और बता दें इनको हर कोई जानता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक के रूप में इनकी महती भूमिका रही है, और इनका सानिध्य हमें बराबर मिलता रहा है, और महाविद्यालय ने आज मुझे भी सम्मानित किया है। सर, इस तरह का हम कह सकते हैं कि पहला अगर महाविद्यालय होगा तो कोई गलत नहीं होगा कि बेगूसराय का पहला इस तरह का ट्रेनिंग कॉलेज ने इस तरह का छात्र, पूर्ववर्ती छात्रों का समागम करवाया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसी सोच रही है आपकी और इस तरह का आयोजन इस तरह से हुआ? भूत जो होता है वो संपत्ति होती है, भविष्य जो होता है वो सपना होता है, अब वर्तमान में जो भूत को याद करके कोई काम नहीं करेंगे तो उनका भविष्य ठीक नहीं होगा, इसलिए जो पूर्ववर्ती छात्र हमारे थे इस कॉलेज के, उनको बुलाकर प्रेरणा के स्रोत के रूप में, जो वर्तमान में छात्र हैं उनको प्रेरणा पुंज के रूप में उनको हम दिखाया कि जो पुराने छात्र हैं उनका क्या खट्टा मीठा अनुभव है, और वो किस प्रकार पढ़े और उनके पढ़ने से क्या तरक्की हुई, तुम जानो, तुम समझो, तुम सीखो, तुम उन्हीं के मार्ग पर चलो, इसलिए सारे बच्चों को बुलाया जो पिछले सत्र में थे, और एक दूसरे से मीट करवाए, एक दूसरे से बातचीत हुई, भाषण हुआ, सब आनंद भी लिए, और अपनी एक योजना भी रखे और एक अनुभव का भी शेयर किए।
सर, जैसा कि विकास विद्यालय आज किसी नाम और किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप चाहते तो शहर में आप कर सकते थे, इस तरह का शिक्षण संस्थान शुरू कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि आपने सुदूर देहात में इसकी शुरुआत की, चैलेंजिंग काफ़ी रहा होगा सर। ये जो क्षेत्र है चरिया बरियारपुर का क्षेत्र है, मेरा कोई नहीं गोतिया संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं है, लेकिन हमारी माँ की इच्छा रहती थी जब भी बेटा तुम कुछ खोलो कॉलेज या स्कूल, ऐसे क्षेत्र में खोलो जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ सके। जिसको बेगूसराय आने में कठिनाई होती है वहाँ तुम अगर खोलोगे तो वहाँ लाभ मिलेगा। बाजार में तो सब खोलता है, शहर में सब खोलता है, दूर में खोलोगे तो सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी माँ की ऐसी सोच रहती थी, इसलिए अपनी माँ की प्रेरणा से हमने यहाँ खोला। अभी इस महाविद्यालय की जो विधि व्यवस्था है, तरह के कोर्सेज यहाँ हो रहे हैं सर? ये बीएड कॉलेज है, यहाँ डीएलएड की पढ़ाई और बीएड की पढ़ाई होती है। आपको मालूम है कि बीएड की मान्यता जो है एनसीटी देती है, और मान्यता वो देती है मिथिला यूनिवर्सिटी, और इसमें जो डीएड की पढ़ाई होती है वो बिहार बोर्ड से मान्यता मिलती है। तो यहाँ दो कोर्स चलता है, डीएलएड का कोर्स, बीएड का कोर्स। डीएलएड का कोर्स में 50 सीट है, बीएड के कोर्स में 100 सीट है। धन्यवाद सर। थैंक यू। पुनः एक बार तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन को ढेर सारी शुभकामनाएं इसको एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। अगम जी की एक नई सोच है, वो चाहते हैं कि तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है सीनियर एजुकेशन में बने, तो हमारी शुभकामना रहेगी। आप अच्छा करते रहें, लगातार बनेगा हमारे साथ। क्रेमन कृष्ण के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार। इसका कारण क्या है, जो भी कोई बता देना चाहता है? इसका कारण यह है कि ऐसे हमें पहले पता था कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि यहाँ के जितने भी छात्र अध्यापक आएंगे वो तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीए या अन्य कोई भी डिग्रियां करके यहाँ से निकल चुके हैं। तो मैं मतलब एक तरह इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो गया, और मुझे आपका धन्यवाद सभ्यता संस्कृति में। और ये जो बारिश जो होता है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं। तो इंद्रदेव को एक बार इंद्रदेव के लिए मैं जोर और ताली चाहूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला था उसी क्षण बारिश बंद हो गया मौसम। और जितने स्टूडेंट आए हैं उन सभी का तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। अब मैं आप सभी के बीच एक गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ।